और लूसी ने अभी फिर से जुड़वा बच्चा दिया है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और देखिए, लूसी आज पपीज दे रही है। ये 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, तो देखिए अभी कितना पपीज दी है। अभी इसने 1 दिया है। और देखिए किस तरह से अपने पास ये छुपा के रखी है कि कोई इसको डर लग रहा है कोई लेके चला ना जाए। तो अभी तो 1 दी है, लेकिन ये 8, 9, 10 के आसपास देती हैं। पिछले टाइम भी इसने 9 दिया था और उसके पहले टाइम भी इसने 9 दिया था। तो अभी 1 हुआ है। चलिए आपको दिखाते रहेंगे 1 by 1 कितना दे रही है, देखिए कितने तक वो जाती है। ओके, फिर मिलते हैं जब सेकंड बच्चा पपीज देगी, तब मिलेंगे। गाइस देखिए, लूसी अभी इसने 2 बच्चे दी है और आज जन्माष्टमी का दिन भी है, तो बहुत शुभ अवसर पर देखिए 2 बच्चा 2 पपीज। गाइस देखिए, अभी तक ये 3-4 पपीज दे चुकी है, 4 पपीज दे चुकी है और 5 दे चुकी है। अब यसली देखिए उसको सब हटा कर सही से उसको रख रही है। और लूसी भी देखिए कैसे अपने आप पकड़ के बैठी है अपनी पपीज को, इसको डर लग रहा है कोई ले के ना चल जाए। ठीक है गाइस, 5 हुआ है। अब आगे दिखाते हैं और कितने पपीज देती है। देखिए यसली कैसे स्मार्ट वर्क करके उसको हटा कर उसको दूध पिला रही है उसका, लूसी का, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि काट ना ले, इसीलिए उसके मुंह पे बॉक्स रख दे रही है। उसके बाद धीरे से पकड़ के उसके दूध के पास रख दे रही है, वो अपना पीने लगे। गुड वर्क यशवी, गुड वर्क। हेलो गाइस, रात के अभी 1 बज गए हैं और लूसी ने अभी फिर से जुड़वा बच्चा दिया है। मैं तो आपको दिखा नहीं पाया, जब तक मैं रिकॉर्डिंग शूट करने वाला तब तक उसने डिलीवरी दे दिया था, बट जुड़वा बच्चा उसने दिया है। और फिलहाल अभी हो गए हैं टोटल 8, 5 मैंने आपको दिखाया था और 3 अभी हुए हैं, टोटल हो गए 8। चलिए देखते हैं आगे और कितने बच्चे देती है। गाइस देखिए, फाइनली सुबह हो गई और लूसी ने 9 पपीज दी है। कल मैंने आपको बताया था कि इसने उस पर 8 दिया हुआ था, उसके बाद रात को 4-5 बजे के आसपास एक और दी है, टोटल 9 हो गए। और गाइस एक कोइंसिडेंस आपको बताता हूँ, इसने फर्स्ट टाइम भी 9 पपीज दिया था, सेकंड टाइम भी 9 दिया और थर्ड टाइम भी 9 दिया। ये इत्तेफाक बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको, मतलब 3 टाइम में तीनों टाइम इसने 9 पपीज दी है। और इसीलिए इसको गर्मी भी हो रही है, इसीलिए रवि भाई आया है। देखिए रवि भाई आया पंखा लगवाने के लिए, तो इसीलिए गर्मी में भी पंखा उनका लगा दिया जाए, किसी में रहने का उसको आदत है, कम से कम पंखा में ही काम चलाया जाए उसका। देखिए फैन रखा है ये, और अभी लूसी के रूम में ये फैन लग जाएगा। ओके लूसी, अब तुम आराम से रहना। फैन लग जाने के बाद इसको बहुत रिलीफ हो गया, अब आराम सो रही थी। गाइज अगर किसी को भी पपीज चाहिए होंगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके और स्क्रीनशॉट कमेंट में मुझे शेयर करिएगा, तो आपको ये हाफ रेट में मिल जाएंगे, जो भी आप मार्केट रेट होगा इस समय का। और जो सब्सक्राइब लाइक करके स्क्रीनशॉट शेयर करेगा उसको हाफ रेट में ये मिल जाएगा। 1 मंथ के बाद जिसको भी चाहिए होगा डिलीवरी उसको कर दूंगा। ओके गाइस, चलिए ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग रेडी रहिएगा और RKY ब्लॉग्स को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दीजिएगा, आपका प्यार सपोर्ट ही हमें आगे मोटिवेट करता है। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।